मंजिल संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक सुभाष चौराहे पर किया गया, लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे कुछ खाएंगे, पेट भरेंगे। चलो चलो चलो, इसका क्या होगा? आज चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, आप लोग मतदान जरूर करिए और ऐसे लोगों को सुनिए जो हमारे देश के भविष्य को बचाए, ना कि हमारे देश के भविष्य को और बर्बाद करे। आज न जाने कितने बच्चे दुकानों पे, चाय की दुकानों पे कब तस्करी धो रहे हैं, भीख मांग रहे, बाल मजदूरी कर रहे हैं। न जाने कितनी सरकार आई, सब वादा करते हैं कि हाँ हम अपने भविष्य को बचाएंगे, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाएंगे, लेकिन आज भी कितने बच्चे मर रहे हैं, इस तरह गरीबी में दम तोड़ रहे हैं। हर सरकार को ये करना चाहिए कि हम अपनी मजबूरी, अपने भविष्य को बचाएं, लेकिन कोई सरकार ये ध्यान नहीं देती। आप लोग मतदान करें और ऐसी सरकार को चुने जो हमारे इस भविष्य को बचा सके, आगे भविष्य को बचा सके, ना कि उसे बर्बाद करे। आपसे अपील है कि ऐसी सरकार चुने जो हमारे भविष्य को बचाए, उसे बर्बाद ना करे। नाटक के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत से सरकारें हैं, बहुत से चली गई, लेकिन इन बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। आज हमारे समाज में बच्चे ही शोषित हो रहे हैं, तो इसमें यह दिखाया गया है कि अगर हम मतदान जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को चुने जो हमारे देश का भविष्य बचा सके, शिक्षा ला सके, सबको भरपेट भोजन मिल सके। बहुत से सरकारें आई, बहुत से वादा करती रहती, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आज कोई सरकारें नहीं कर रही काम। मैं ये चाहता हूं कि अपने इलाहाबाद वासियों को ऐसे लोगों को संसद बनाए जो आपके साथ साथ चले, आपके देशवासियों की सुरक्षा रखे। आज आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को दिन दहाड़े उठा लिए जा रहे, चोरी हो रही, डकैती हो रही, तो हमको ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। हमको वोट डालना है तो ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारे साथ रहे, हमारे देश के हित के लिए कार्य करे। इस नाटक के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं। कृष्णा मंजिल से हम लोग सभी आम नागरिक यहाँ पे बहुत देखे सुभाष चौराहे पे जो नाटक ये लोग कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। ये लोग सोते हुए को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ की जनताएं सब सो गई हैं। ये लोग ये बहुत दोपहर में वोट डालने नहीं जाते हैं जो हमारे, ये हमारा नुकसान करते हैं, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि ये लोग मतदान अवश्य करें। आज हमने सुभाष चौराहे पे मंजिल संस्था की ओर से नाटक दिया है मेहनत की रोटी। हमारे नाटक का यह उद्देश्य है कि आज बच्चे जो बाल मजदूरी कर रहे हैं उन सबको बाल मजदूरी से छुटाना, उनके हाथों में पुस्तक होनी चाहिए, लेकिन आज भी बहुत से बच्चों के हाथों में हथौड़ियां हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, कब तस्करी धोते हैं। हम ये चाहते हैं नाटक के माध्यम से कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, वो बचा रहे। और हम आज चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो हम अपने क्षेत्रवासी, अपने इलाहाबाद वासियों से ये अपील करते हैं कि वो ऐसे हमारे नेताओं को चुने, ऐसी सरकार चुने कि हमारे भविष्य को बचा सके, हम अपने बच्चे जो कल का भविष्य है उनको बचा सके।